ये है न्यूली लॉन्च BMW मोटोरोड का C400 GT मैक्सी स्कूटर का स्टाइलिश ट्रिपल ब्लैक कलर। इसकी एक्सोरूम कीमत है ब्लैक कलर में 10,60,000। ऑन रोड कीमत आपको लास्ट में बता दूंगा। इस स्कूटर में आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं, माइलेज कितना देता है, टॉप स्पीड और परफॉर्मेंस कैसी है, ऑन रोड कीमत कितनी है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट लुक से। तो ऊपर में आपको बड़ा सा ट्रांसपेरेंट विंडशील्ड का ग्लास दिया गया। बाकी एप्रेन के ऊपर में देखेंगे तो ग्लॉसी ब्लैक यहां पर आपको फिनिश देखने को मिल जाती है। अगर हम हेडलाइट सेक्शन की बात करते हैं तो नीचे में आपको 4-पीस LED डे टाइम राइडिंग लाइट का यहाँ पर आपको सेटअप मिलता है और LED हेडलाइट भी देखने को मिल जाती है। नीचे में आपको 2-पीस यहाँ पर आपको थोड़े से एयर वेंट मिल जाते हैं। इंडिकेटर यहाँ पर आपको नीचे में मिलते हैं जो कि फुली LED सेटअप के साथ इनको नीचे में इंस्टॉल किया गया है। अगर इसकी साइड प्रोफाइल से अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलता है BMW का लोगो और यहाँ पर ट्रिपल ब्लैक की बैजिंग मिल जाती है, जैसा कि ये स्टाइल ट्रिपल ब्लैक वाला कलर है। दूसरा इसमें आपको व्हाइट कलर मिल जाता है। इसके आगे वाले मडगार्ड के साइड में रिफ्लेक्टर दिया गया है। बाकी जो मडगार्ड का ऊपर वाला ये जो पोर्शन है वो ग्लॉसी ब्लैक कलर के साथ 35mm डायमीटर के टेलीस्कोपिक फॉर्क मिलते हैं। आगे वाले टायर की मोटाई है 120mm की। ये जो टायर हैं वो आपको मिलते हैं रेडियल और 265mm के साथ यहाँ पर आपको डबल डिस्क ब्रेक का सेटअप मिल जाता है। दोनों ही साइड में आपको 265mm की डिस्क ब्रेक मिल जाती हैं और इसमें आपको मिलता है ABS BMW मोटोरोड वाला। अगर हम इसके टायर प्रोफाइल की बात करें तो इसमें आपको ब्लैक कलर के अलॉबिल मिलते हैं। 120/70/15 का यहाँ पर आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाता है जो कि रेडियल है। वैसे साइड से देखा जाए तो ये स्कूटर कम और एक स्पोर्ट्स बाइक सी ज़्यादा फीलिंग आ रही है देखते समय में। और नीचे में ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको काफ़ी ठीक ठाक मिल जाती है। बाकी राइडर अगर चाहे तो ऊपर भी आसानी से पैरों को रख सकता है और अगर नहीं भी चाहे तो नीचे भी आप कंफर्टेबल तरीके से पैरों को रख सकते हैं। बाकी पिलियन के लिए यहाँ पर आपको पैरों के रखने के लिए जगह मिल जाती है। 3-टोन कलर इसमें कंपनी ने यूज किया है। बाकी यहाँ पर आपको C400 GT का 3D क्रोम के साथ लोगो मिल जाता है। यहाँ पर आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर मिलता है। बाकी साइड में आपको GT ट्रिपल ब्लैक की बैजिंग मिल जाती है ग्राफिक्स के साथ। अगर हम इसकी रियर सेक्शन की बात करते हैं तो पीछे में आपको रेड कलर के साथ LED टेल लाइट का सेटअप मिल जाता है जो कि देखने में काफ़ी प्यारी लग रही है। LED वाले इंडिकेटर, ये है BMW का लोगो और इसके नीचे में आपको रिफ्लेक्टर और नंबर प्लेट लगाने के लिए जगह मिल जाती है। ऊपर में आपको 2 स्प्लिट टाइप के ग्रैबरेल देखने को मिलते हैं जो इसके लुक को काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी फील कराते हैं। अगर हम बात करें इसके कंफर्ट की तो इसमें आपको स्प्लिट सीट मिल जाते हैं। ऊपर वाली जो सीट है वो भी काफ़ी अच्छी कुशन के साथ है और नीचे में आपको बैकरेस्ट भी मिल जाता है और इसकी जो पिलियन वाली सीट है वो भी काफ़ी कंफर्टेबल मिल जाती है। 775mm की इसमें आपको सीट हाइट मिल जाती है राइडर के लिए। सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसमें आपको BMW लोगो के साथ यहाँ पर आपको फ्लिप की मिल जाती है रिमोट वाली, और जैसा कि पीछे में आपको कोई भी लोगो वगैरह नहीं मिलता है। अगर हम फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 12.8 लीटर इसमें फ्यूल आता है और 3 लीटर पेट्रोल इसमें रिजर्व रहता है। बाकी अगर आप इसके ऊपर की साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको 2 यूटिलिटी बॉक्स मिल जाते हैं जिसके अंदर में आपको USB मोबाइल चार्जिंग का पोर्ट भी मिल जाता है और एक जो यूटिलिटी बॉक्स है वो आपको इसके लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें आप जो भी आपको पर्सनल सामान हो, मोबाइल वगैरह या फिर पर्स वगैरह, आसानी से आप इसको कैरी कर सकते हैं। BMW मोटोरोड कनेक्टिविटी के साथ TFT कलर यहाँ पर आपको डिस्प्ले मिलती है, जिसमें ऊपर में आपको BMW का लोगो और नीचे में देखेंगे तो यहाँ पर आपको पावर ऑन ऑफ की एक बटन मिलती है। जैसा कि मैं इस बटन को दबा देता हूँ, जैसे ही आप इस बटन को प्रेस करते हैं तो कंसोल इसका तुरंत ऑन हो जाता है। GT की बैजिंग मिलती है। यहाँ पर आपको जो है एक कुछ इंडिकेशन की वार्निंग है, जैसे कि चेक इंजन, ABS, एरर इंडिकेटर, टर्न इंडिकेटर, और दूसरी साइड में आपको मिलती है टर्न इंडिकेटर, लो बीम और हाई बीम की वार्निंग। यहाँ पर आपको टेम्परेचर दिखा रहा है, बाकी यहाँ पर आपको लो बीम, हाई बीम, नीचे में आपको स्पीडोमीटर दिखा रहा है, बाकी यहाँ पर आपको डिजिटल क्लॉक और यहाँ पर किलोमीटर की रीडिंग और लो फ्यूल की वार्निंग। यहाँ पर कुछ आपको कंट्रोल मिलते हैं, जैसा कि यहाँ पर आपको एक पासिंग की बटन मिल जाती है, हैजार्ड की बटन मिलती है, यहाँ पर आपको हेडलाइट की बटन, यहाँ पर ये जो कड़ा टाइप का आप देख रहे हैं ये जो है वो फीचर्स को आप स्लाइड कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको एक मेनू की बटन मिलती है, ऊपर में आप इसको बैक कर सकते हैं, नीचे में आप इसको एंटर कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको अभी नीचे में प्रेस कर देता हूँ, जैसे ही आप इसको नीचे में प्रेस करेंगे तो आप इसके मेनू में चले जाएंगे।
अगर आप इसकी मेनू वाली बटन को नीचे में प्रेस करेंगे तो माई व्हीकल वाले ऑप्शन में आप अंदर चले जाएंगे, जिसमें व्हीकल की सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगी, जैसा कि इंजन टेम्परेचर, ऑयल इंडिकेटर, ऑडोमीटर, ट्रिम मीटर, किलोमीटर की रीडिंग और बैटरी के वोल्टेज यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप माई व्हीकल की और अंदर में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे प्रेस करेंगे आगे की तरफ और आप इसके और भी अंदर के जितने भी फीचर्स हैं ट्रिप वाले और इसके सर्विस रिमाइंडर वाले, इनको आप आसानी से देख पाएंगे। अगर आप इसके फीचर्स में से बैक करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से प्रेस करना है ये वाले बटन को और आप आसानी से इसके मेन्यू वाले ऑप्शन में पहुँच जाएंगे। जैसा कि यहाँ पर आपको और भी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं तो मेन्यू वाले बटन को ऊपर में आपको प्रेस करना है, ये थोड़ा सा आगे जाएगा। यहाँ पर आपको अर्बन की सारी जानकारी, यहाँ पर आपको जीपीएस नेविगेशन असिस्ट और यहाँ पर आपको मल्टीमीडिया और यहाँ पर आपको टेलीफोन और यहाँ पर आपको सेटिंग की सारी जानकारी मिल जाएंगी। जैसे कि यहाँ से आप इसको सेटिंग वगैरह भी कर सकते हैं, डिस्प्ले में आपको कितनी ब्राइटनेस रखनी है और ये जो कड़ा है आप इसको थोड़ा सा स्लाइड करेंगे तो इसके जितने भी फीचर्स हैं आपको सेटिंग वाले ऊपर और नीचे की तरफ आसानी से स्लाइड करके ही आप इसको ऊपर और नीचे में ले जा सकते हैं। बाकी अगर आप इसमें एंटर करना चाहते हैं तो आपको मेनू का जो बटन है वो आपको नीचे में प्रेस करना है। जैसा कि यहाँ पर अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो अंदर में आप चले जाते हैं, ब्राइटनेस दिखा रहा है कितने परसेंट है। इस स्कूटर में आपको मिलता है ASC ऑटोमेटिक स्टेबिलिटी कंट्रोल का फीचर्स, इसके साथ ही ये जो ब्रेक लीवर हैं ब्लैक कलर में है, यहाँ पर आपको पासिंग का बटन, यहाँ पर आपको मल्टी कंट्रोलर, यहाँ पर आपको हॉर्न इंडिकेटर और दूसरी साइड में आपको इंजन किल और सेल्फ स्टार्ट आपको एक ही बटन में मिलता है। ये आगे वाला लीवर है ब्रेक का और मिरर भी आपको काफ़ी स्पोर्टी मिलते हैं। इसकी रियर सेक्शन की अगर हम बात करें तो पीछे में भी आपको डिस्क मिल जाती है ABS के साथ और पीछे वाला जो टायर है वो आपको मिलता है 150/70/R14 का। पीछे वाले टायर की मोटाई है 150 mm की। आगे में 15 इंच, पीछे में 14 इंच का एलॉय मिलता है। बाकी पीछे में डबल एल्यूमिनियम स्विंग आर्म, डबल स्प्रिंग स्ट्रोड, एडजस्टेबल प्री लोड टाइप के यहाँ पर आपको दो पीस एडजस्टेबल सस्पेंशन मिल जाते हैं। बाकी ये है इसका पूरा का पूरा इंजन। इसमें दिया है 350cc का लिक्विड कूल्ड 4-स्ट्रोक 4-वाल्व सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैम शाफ्ट शंप लुब्रिकेशन फ्यूल इंजेक्टेड इंजन। इसकी मैक्स पावर है 34 HP की 7500 RPM पर और इसका मैक्स टॉर्क है 35 Nm का 5750 RPM पर। इसकी मैक्स स्पीड है 139 km प्रति घंटे की। इसके साथ ही एग्जॉस्ट की बात करें तो स्टील मैट फिनिश के साथ इसका एग्जॉस्ट मिल जाता है ब्लैक कलर के मफलर गार्ड के साथ। दूसरी साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको ड्यूअल टोन कलर के साथ इसका आपको मिलता है एयर फिल्टर, जिसके ऊपर में BMW की बैजिंग मिल जाती है। 214 kg का कर्व वेट है, ये है इसका एयर फिल्टर और यहाँ पर आपको मेन स्टैंड भी मिल जाता है, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर का फीचर्स भी मिलता है। इसके साथ ही माइलेज की अगर हम बात करें तो इसमें आपको लगभग मिल जाएगा 25 से 28 KMPL का 1 लीटर पेट्रोल में आसानी से माइलेज। तो अब प्राइस की बात करें तो BMW C400 GT स्टाइल ट्रिपल ब्लैक कलर की एक्स शोरूम कीमत है 10,60,000 और इसकी कंप्लीट ऑन रोड कीमत है 12,33,066 रुपये और इसके एल्पाइन वाइट कलर की एक्स शोरूम कीमत है 10,40,000 और कंप्लीट ऑन रोड कीमत है वाइट कलर की 12,10,291 रुपीज़। BMW मोटरार्ट कोलकाता शोरूम की, जो कि चिनार पार्क में स्थित है। अगर आप BMW मोटरार्ट की कोई भी बाइक खरीदना चाहते हैं तो आप इस शोरूम के नीचे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और देव MTR चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर देना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।